हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट कपकेक, वो भी कढ़ाई में। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं। 1/4 कप दूध, इसमें हम डालेंगे 1 स्पून ये नींबू का जूस डाला है हमने, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप विनेगर भी डाल सकते हैं अगर विनेगर डालना चाहें तो। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, अब इसमें हम डालेंगे पिसी हुई चीनी 1/2 कप और इसको मिक्स कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा 1/2 टी स्पून, बेकिंग पाउडर 1 टी स्पून और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बटर, इसमें हम 2 स्पून डाल रहे हैं बटर। अब सबको अच्छे से मिक्स करना है और अगर आपको लगता है कि ये गाढ़ा हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा और दूध डाल सकते हैं। हम इसमें डालेंगे वेनिला एसेंस और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब हम ले लेंगे कप, अब इसमें हम बैटर डालेंगे। पहले हम थोड़ा सा बैटर डालेंगे इसमें, डाल देंगे चॉकलेट चिप्स, और ऊपर से फिर से बैटर डाल देंगे। इसको थोड़ा सा टैप कर देंगे हम और यहाँ पे इसके ऊपर डाल देंगे चॉकलेट चिप्स। और हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हमने एक प्लेट रख दी है, इसमें हमने एक प्लेट रख दिया और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कर देना है। इसमें हम रखेंगे अपने कपकेक और इसको ढक देंगे और बीच में इसको चेक करते रहेंगे। ये देखिए हमारे ये यहाँ पे कपकेक कितने अच्छे से बन रहे हैं, लेकिन अभी इसको टाइम है तो अभी हम इसको और बेक होने देंगे। ये देखिए हमारी कपकेक कितने अच्छे से बन गए हैं और ये हमने कढ़ाई में बनाए हैं और अभी इनको हम थोड़ी देर रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये देखिए हमारे कपकेक बन चुके हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं और इसके अंदर भी हमने चॉकलेट डाली हुई थी, बहुत ही सॉफ्ट बने थे। ये देखिए अंदर से भी कितने अच्छे से चॉकलेट मेल्ट हो गई है। तो आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।